डबरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सुखापली में महिला की संदिग्ध मौत के खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला डबरा थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम सुखापाली में पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहित महिला की मौत हो गई है, जिसका नाम गेंदबाई महेश्वरी, उम्र 31 वर्ष बताई जा रहा है। वहीं खबर सुनते ही गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई गई है। वहीं मौके पर डबरा तहसीलदार के उपस्थिति में शव का पंचनामा किया गया। पंचनामा में पाया गया कि उसके हाथों की उंगलियों में जलने का निशान है। वहीं उनके परिजनों द्वारा स्पष्ट तौर पर मृतका के पति गणेश राम महेश्वरी के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल डबरा पुलिस के द्वारा मृतका के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए डबरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं पुलिस द्वारा घर के आसपास की तलाशी ले ली गई है। पुलिस को बिजली का हीटर मिला है। इस संबंध में थाना प्रभारी के मेहता से बात करने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डबरा पुलिस हर एक छोटी बड़ी पहलू की जांच कर रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे का खुलासा हो सकेगा। आज दिनांक को महादेवा रात्रे हैं, जो सरसीवा क्षेत्र का रहने वाली है। उन्होंने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लड़की, जिसकी शादी 4 साल हुआ है, ग्राम सुखापाली में हुआ है, अज्ञात कारणों से फौत हो गए हैं, जिस पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर थाना प्रभारी के हमराह में मौके पर गए। चूँकि शादी 7 वर्ष के अंदर का था, इसलिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री पटेल साहब नायब तहसीलदार डबरा को ज्ञापन देकर तलब कर तहसीलदार के समक्ष पंचनामा कार्रवाई किया गया। पंचनामा कार्रवाई पश्चात PM में भेजा गया है। PM रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाम नरेश कुमार बघेल है और मोर दीदी है, बड़े अम्मा की लड़की है। अब मैं आए हवा तो देखें कि वह अब पूछें कैसे कैसे होएगा, तो उन कहीं गिर गए है वही करा। तब मैं देखें तो मुँह से हम खून वहाँ निकले रही से, तब छुआ के देखें तो मन कहीं सचित दे के गिरे। मैं कहें सचित दे गिरे रहतीस तो खून कैसे हम सूख जातीस। मन कहीस कि एक झन अनेक मई लोग के नाम लिस कि वही उठा के करीस हो। मैं कहीस तो मई लोग पूछे ना तो वह कहीस कि मैं नहीं ले गई हूँ, कहीस उठा के कहीस मैं अंदर से उठाए हैं कहीं सब एक नहीं गिर रही कहीस। तहाँ लोग ससुर ले पूछे ना तो मैं नहीं जाना था, सुते रहें कहीस। तहाँ ओकर भाँचा है कथे माँ मोर मामा दादा करके हमें दोनों ओला उठा के पलंग में करे हैं कपे। तहाँ मैं कहें तो नाना हाथ कहते हैं कि सुते रहें कपे, तब ट्रोल कहें मैं तो सुते रहीस कपे। तहाँ मैं कहें कम्बल कौन ओढ़ से ओला कहें, तो फिर वही मई लोग के नाल जी सब वही ओढ़ाई से ओला कपे। तो मैं ओला फिर पूछे कम्बल तैं ओढ़ाए हसो कपे, तो वो कहीस मैं नहीं ओढ़ाए कहीस। अब वो लड़का छुपर है गणेश महेश्वरी। अब है इंसान हाँ माँ कर मुसी हाँ गेंद भाई की तू 1 साल उन्हें रही सावे तो लड़का है ना कहीं होकर घेंच ले दबा के कोशिश करे रही से तो लड़की चल दे रही तो इलाज बाय में नहीं करात रही थे। तब इलाज बाय नहीं करते वहाँ साल भर रही से लैकल जाती हैं उहूल जाती हैं ओकर बाद मन रहे रही से तो माँ बाप अब कमाई चल दीस करें ते तो सास के गोड़ टूटी से थोड़ा ठग फुलवार के नहीं आनी से अब नान के ना वो तो भट्ठा लगी से अभी कौन दिन 15 दिन हो हैं आज हम महीना दिन नहीं गम पातन हम तो फोने सोने नहीं गम पातन और वो नान के वो अब मारी दाई से अब मचके चुनी चूरी चूरी कान ना कर कैसे फूटी पलंग है कैसे टूटी जब झगड़ा लड़ाई हो नहीं तब पलंग टूटा ही नहीं भाई चूरी कोई फोड़ के बिछी थोड़े कान के लिए चिथी औरा था कोई अपन सुहाग के चीज जाते नहीं बीछ है उसने ना कहा और साया ब्लाउज पहरे ते हम उनके मारे चे शादी से मन कुछ बहाना करें और सब कर सास जाना था ससुर है कई होकर सास खुद छोड़ा है और घेंच ले दबाए है ताल अब लड़की है चार एक बच्चा है कहके आ गई से हम मना करें हैं पूरा हम नतारिश्ता है कि मत जगह के लड़की वज के हाथ रही जान गवाई नहीं जामा कहके आखिर दे आई से हो।